करना है, मुझे व्लॉग करना है, व्लॉग करना है, मुझे व्लॉग करना है, मुल्क के खातिर मुझको ऐसा काम करना है, व्लॉग करना है, मुझे व्लॉग करना है, करना है, मुझे व्लॉग करना है, व्लॉग करना है, मुझे व्लॉग करना है, मुल्क के खातिर मुझको ऐसा काम करना है, व्लॉग करना है, मुझे व्लॉग करना है, करना है, मुझे व्लॉग। हाँ तो भैया जी, कैसे हैं आप? आज के ब्लॉग में हम ना हाले यूपी दिखाने वाले हैं, यूपी के लोगों का दर्द दिखाने वाले हैं। तो आइए चलते हैं हम। हाँ तो भैया जी, आप यूपी के बाढ़ पीड़ित इलाकों का ना अंदाज़ा इस वीडियो से लगा सकते हैं। लोगों का क्या दर्द रहा होगा, लोगों को क्या क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ी होंगी, लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े, अपने जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने पड़े। इस वीडियो में आप देख सकते हैं चारों साइड सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना पानी भरा हुआ है चारों साइड। यहाँ पे देखिए चचा पानी का फायदा उठा के अपनी गाड़ी धुल रहे हैं यहाँ पे। और चचा पानी से फायदा नहीं उठा रहे हैं। हाँ भैया, अच्छा परेशानी है, बहुत कहाँ रहा तो आप उधर रहे थे कि इधर? यही पर। अच्छा बंदे के इस पार हो वही फायदा उठा रहे हो, बंदे के उस पार होते तो भागना पड़ जाते। हाँ हाँ तो भैया जी, कैसे हैं आप? इस टाइम ना हम हाले यूपी दिखाने आए थे। यहाँ पे आप पुल देख सकते हैं कितना बड़ा पुल है, और यहाँ चारों साइड पानी भरा हुआ है। तो जो लोग बंदे के उस पुल के उस पार रह रहे थे वो इस टाइम अपना घर वगैरह छोड़ के इधर आ गए हैं। क्यों रिजवान भाई, कैसा लग रहा है यहाँ पे? यार बहुत बेकार लग रहा है, काफ़ी लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं, काफ़ी लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। अभी बंदे के इस पार मतलब कुछ नहीं, केवल पानी पानी नज़र आ रहा है। बाकी काफ़ी इंजॉय भी कर रहे हैं बच्चे लोग, जो हैं काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए आप, पानी देखने आए ये बच्चे लोग। और बाकी आप देख सकते हैं कितना पानी यहाँ पे चारों साइड है, बहुत बुरा हाल है इस टाइम हाले यूपी का। कुछ लोग अपनी गाड़ियाँ धुल रहे हैं यहाँ पे पानी में आके रोड पे पानी, और कुछ बंदे नहा भी रहे हैं उधर, देख सकते हैं आप। काफ़ी इंजॉय ले रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा हुआ है। अब जब ये पानी ख़त्म हो जाएगा तब लोग यहाँ पे दोबारा अपने घरों पे आएंगे। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे पानी भरा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा रोड के बराबर पानी भरा हुआ है। ये देखिए आप, देख लीजिए चाचा लोग वहाँ रह रहे थे बंदे के उस पार। तो अभी भैया आ गए तो चाचा लोग यहीं खाना पीना कर रहे हैं अपना। और चाचा का हाल चाल अभी? का हाल चाल अभी? बड़ा नुकसान है बंदे को उस पार से ना। अच्छा तो अभी मतलब बहुत नुकसान हो गया, कितने साल बाद इतना मतलब पानी आया? तिरासी में। अच्छा 1983 में इतना ज्यादा पानी आया? 72 में पैदा है रहा, और अब जब कहे मतलब भैया के बाद में तो हम जानते नहीं, छोड़ रहा है इसे भैया नाम के बाबर है। अच्छा 83-84 में इतना ज्यादा पानी दिखा था, अभी उसके बाद 2022 में पहली बार इतना पानी दिखा हुआ है। लेकिन इतना नहीं था, बहुत ज्यादा नुकसान आप लोगों को उठाना पड़ा इस बार।
हाँ वो बहुत ज्यादा पानी है। जाने वाले हैं ना, जाने वाले अपने। अरे आगे जाए कहाँ देखो वहाँ तब भैया घर सब गिर गए, वहाँ कुछ बचा नहीं है। भूसा रहा है, हम सब बहेगा खाई नहीं। तो अभी आप लोग इधर ही रह रहे हैं? बंधन लाई का जाना, 24 घंटा पानी मांगे रहे हैं तब उन्होंने रपटा के बंधन लाए हैं। अच्छा, खाने पीने का इंतजाम कैसे हो? अच्छा, गांव वालों कोई इंतजाम करा रहा है खाने पीने का कहीं से? हो सरकारी अभी कुछ नहीं हो रहा, प्रधान जो नहीं प्रधान अपने अपनी तरफ से बनवा के लाया रहा है, बांट दे रहा है। प्रधान जी ने कराया है, बाकी अभी सरकार की तरफ से कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल चाचा, हम इंतजाम कराएंगे, ठीक है? हाँ। परेशान मत होइए, हम जाके बात करते हैं SDM सर से, कुछ खाने पीने का इंतजाम आप लोगों का कराएंगे, ठीक? टेंशन मत लीजिए आप, जो मेरे से तो हो सकेगा सारा कुछ कराएंगे। उस पार जी को रहा था, वो कहाँ? अभी उस पार भी है। हाँ। कुछ इंतजाम हो रहा है उनका खाने पीने का? कुछ पार वाले के? हाँ, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। अरे उनके हुआ वाले के नाई भवा हिंगा पूरी पबजी आ रहा है, तो वहाँ वहाँ वाले नाई पाई ने घर वाले अभी नहीं हुआ। हाँ हाँ, हुआ कोई सेवा सरकार नहीं पाई, ठीक है, देखते हैं हम। भाई हाल है यूपी, अभी खेतों का रुख हो रहा है, ये देख सकते हैं आप, धान के पौधे सारे जमीनों में लौट गए, और पानी देखिए आप, फसल इस बार बेकार हो गई है पूरी धान में। हाँ तो भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे आके, मतलब उनकी पीड़ा देखी नहीं जा रही है, कितना परेशान है, और सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। आप लोग जो आस पास के हैं वो सारे लोग मदद करिए, जो अच्छे जगह पर इस टाइम तो जो बाढ़ में पीड़ित हैं, यहाँ पर मतलब इतना ज़्यादा है, और बहुत से यूपी में इलाके हैं जहाँ पे कोई मदद नहीं की जा रही, तो आप सभी लोग जिनसे जो हो सके उन बाढ़ पीड़ितों की मदद करिए। हाँ तो भाई अभी हम पहुँच गए हैं, अब वीडियो की एडिटिंग वगैरह होगी, जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करेंगे। यहीं पे एडिटिंग चलेगी आज वीडियो की, क्योंकि घर नहीं जा पाऊँगा, काफ़ी टाइम लगेगा अभी घर जाने में।